welcome back to the another vlog. Today is the Eid day. सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक और परदेश की पहली ईद. और ये बस इस तरह गुजर रही है कि आज ईद का दिन है और right now I'm just going to pray. और मस्जिद बहुत दूर है यहाँ से, ऑलमोस्ट जो है वो आधा घंटे से एक घंटे से ज़्यादा का रास्ता है, तकरीबन ऑलमोस्ट एक घंटे से ज़्यादा का रास्ता है. तो न्यू एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो नई नई देखने को मिल रही हैं. और द थिंग इज़ दैट के द इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ वॉट भाई, जब अपने अपने देश में हुआ करो ना तो अपनी ख़ास तौर पर बातें तो टाइम से कर लिया करो. देश से बाहर आते हैं ना, इट्स मीन जब कंट्री चेंज करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक मैंने चीज़ जो मैंने फील की पर्सनली, तो ये है कि आपको ये बातों में थोड़े से मसले आते हैं, बट नॉट टू मच, बट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो अभी सिनेरियो ये कि जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने और ईद का दिन है. सो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि बस आप जाएंगे नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और कुछ बातें करेंगे आपसे अच्छी अच्छी सी. तो थोड़ा सा मस्जिद की तरफ सफ़र कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सारी आसाइशें मौजूद है भाई, हर चीज़ है, सब चीज़ें, ज़िंदगी सब परफेक्ट है. पर मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे और दूसरी जगहों पे लोगों ने इतना कोई सैड कमेंट्स डाले में परदेश. दिस इज़ नॉट मिस्टेक, दिस इज़ चॉइस. वी आर हेयर फ्रॉम समटाइम्स, यू नो, कुछ अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इंसान अपनी चॉइस से यहाँ आता है. और डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं, जिस तरह से इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे चीज़ें आप देखते हो, डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, इट्स नो डाउट. बट लेट्स सी नाउ, हम ये बातें करने के बजाय हम चलते हैं प्रे की तरफ और आज देखते हैं कि हम इस अफ्रीका लैगोस में किस तरह से प्रे होगी हमारी. जुम्मा भी आज, अनदर थिंग इज दैट जुम्मा. तो भाई मॉस्क पहुंच गए हैं और ये है मॉस्क, अब्दुल गनियो अनोकियो इस्लामिक फाउंडेशन सेंट्रल मॉस्क. सो पढ़ते हैं अभी नमाज. Hello again. Finally we are just, you know, finished the prayer. और the thing is what के नमाज ख़त्म हो गई, अब बस यहाँ से जाने का प्लान है मेरा. और यहाँ से जब निकलेंगे तो डेफिनेटली फिर हम जो है वो आगे जाएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं. लेकिन कुछ भाई हैं हमारे, मुस्लिम भाई हैं, ये मेरे साथ आए वीडियो कुछ बनाने के लिए, ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए, तो इनके साथ हम ज़रा एक वीडियो बना लें. सो से ईद मुबारक टू एवरीवन. मदा हाउ आर यू, हाउ यू डे, हाउ यू आर प्रेयर. से ईद मुबारक, से ईद मुबारक, ईद मुबारक. तो ये कुछ भाई हैं मुस्लिम भाई यहाँ पे जो ईद मुबारक कह रहे हैं आप सबको, तो इनकी ईद मुबारक भी कबूल कर लें. बाकी फर्दर मोर जो है वो मैं भी देखता हूँ. यहाँ पे सिलसिला ये है कि लेडीज़ जेंट्स दोनों साथ नमाज पढ़ रहे थे और सब नमाज़ ख़त्म हो गई है. बहुत मज़ा आया. मैं हुजूम भी दिखाता हूँ, इतने बड़े हुजूम में मैं अकेला यहाँ पे था और मैं इन्जॉय भी कर रहा था और साथ में नमाज भी पढ़ा था. मैं थोड़ा सा हुजूम दिखाता हूँ आपको. तो बेसिकली जो है वो ये इन्वायरमेंट था और इस तरीके से लेडीज़ एंड जेंट्स जो है दोनों इसमें वो नमाज़ पढ़ लेते ईज़िली. फ्रीडम, आज़ादी है, चीज़ों के मामला हैं. बाकी कल्चर का एक अलग कल्चर इफेक्ट है और उसको हम कोई अभी रिलीजियस वे में नहीं लेते. और दिस इज़ अ फाउंडेशन, इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी. और बस ये समझेंगे इतने सारे लोगों में ना अकेले घूमने का मतलब एक अलग ही ट्रेंड है. तो ये है फाउंडेशन और यहाँ पे बहुत रश है और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं भाई. सो आफा मीन्स हाय. और ये आई डोंट नो किस चीज़ की लाइन है, बस मैं तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आई डोंट नो ये लाइन किस चीज़ की है. तो भाई ईद तो मनाई जा रही है बस हर जगह की तरह, इधर भी अभी किस चीज़ का कुछ लाइन है, कुछ जैसे ईद के बाद होते लगती है ना वैसे कुछ लाइन. तो यहाँ भी जो है ना हमारे वालों की तरह जो है वो ईद का सामान वामान कुछ लगा हुआ है, वो जो होता है ना इतर होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो रखी भी तो हैं यहाँ भी. तो और जो मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो एक मतलब बहुत ऐसे ऐसे साउंड्स चल रहे हैं, ऐसी ऐसी यू नो कोड्स चल रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं जो इट्स वेरी लाइक अनोइंग, लाइक समथिंग. यानी कि वैसे तो फील नहीं हो रहा था, मैंने इंस्टाग्राम देखा तो मुझे फील हो रहा है कि मैं परदेश में हूँ और ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है लाइफ, इट्स नॉट यू नो. लेकिन इट्स अप टू यू कि आपको खुश रहना है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं बेसिकली. ओके, तो कोई और ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए आपको खुश रहना है और बस खुश रहें और कीप वॉचिंग. और साथ साथ क्या है कि अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं और यू आर वेरी लकी कि आप अपने प्यारों के साथ हो और बहुत अच्छे से इन्जॉय करो.
जो भी दरमियान में कुछ तल्ख चीज़ें होती हैं आपस में रिलेटिव्स, ये सब चीज़ें उनको माफ़ करो और कंटिन्यू करो। ये हकीकत है, ये चीज़ें पता लगती हैं आपको आके जब आप दूर आते हैं उनसे तब। लेकिन माफ़ करो भाई, और सब रिश्तेदारों को भी माफ़ करो साथ। सो ऑल्सो मुझे भी दुआ में याद रखो, और साथ साथ बस आज के ब्लॉग का अख्ताम करते हैं यहीं पर, और थोड़ा सा मैं लैगोस दिखा दूँ आपको ताकि आपको पता चले कि बेसिकली जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरह से लाइफ गुजरती है। बट मैं कहूँगा ओवर यू नो पाकिस्तान, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है हमारा मुल्क। ब्लैक ऑफ सिखा दो, फिर बात करते हैं बाकी। भाई सलाम। ये है भाई वापसी का सफ़र हमारा, नमाज़ पढ़ने के बाद वापसी। जो वेदर जो है ना वो इधर अफ्रीका का वेदर बहुत ही शानदार होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है और बहुत मज़ा आ रहा है। बस अब हम जाएंगे, और आज प्लान तो कुछ और ही है, वो प्लान देखो पूरे होते हैं या क्या करते हैं। फिलहाल तो अभी आज ईद का दिन है, लेकिन ऑफिस जाना भी ज़रूरी था, और वैसे छुट्टी है मेरी, लेकिन मैंने सोचा कुछ काम ऐसा नहीं कर लें। बट अल्लाह हाफिज़।